सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। और कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स, ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं 16 सोमवार की व्रत कथा। एक समय महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां राजा ने सुंदर से मंदिर बनवाया। शंकर जी वहीं ठहरने लगे। एक दिन पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे नाथ, आओ चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी जी पूजा करने के लिए वहां आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी किसकी जीत हो गई? वह बोले, शंकर जी की, और अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोड़ी होने का श्राप दिया। पुजारी जी कोड़ी हो गए। कुछ काल बाद अप्सराएं पूजन करने के लिए आई। पुजारी जी से कोड़ी होने का कारण पूछा। पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोले, पुजारी जी तुम 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी तुम्हारे कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत विधि पूछी। अप्सराएं बोले, सोमवार का व्रत करें, संध्या उपरांत आधा शेर गेहूं के आटे के 3 अंगा बनावें, घी गुड़ दीप नैवेद्य बेल पत्र आदि से पूजन करें, बाद में 1 अंग अर्पण कर शेष 2 अंगा प्रसादी समक्ष वितरित कर प्रसाद लें। इस विधि से 16 सोमवार कर 17वें सोमवार को पाव शेर गेहूं के आटे के बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें, फिर सब कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से तुम्हारे शिव जी सारे कष्ट दूर करेंगे। यह कहकर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। पुजारी जी उसी विधि से व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिन बाद शंकर पार्वती फिर आए। पुजारी जी को कुशलता पूर्वक देखकर पार्वती जी ने रोग मुक्ति का कारण पूछा। पुजारी जी के कथा अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप अप्रसन्न कार्तिकेय जी माता के आज्ञाकारी पुत्र हुए। कार्तिकेय जी ने भी पार्वती से पूछा कि हे माँ, आपने ये कौन सा व्रत किया था जो मेरा मन आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कहा कि मैंने 16 सोमवार का व्रत किया है। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया, फलस्वरूप बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा। तब पताने पर विवाह की इच्छा से यथाविधि उसने भी यह व्रत किया। फलत है वह विदेश गया, वहां राजा की कन्या से उसका स्वयंवर हो गया। राजा का प्रण था कि हथनी जिसको भी माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर देखने की इच्छा से एक और चाह बैठा। हथनी ने माला इसी पंडित को पहनाई। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, नाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़कर हथनी ने आपको वरण किया? ब्राह्मण ने कहा, मैंने 16 सोमवार का सविधि व्रत किया। राजकन्या ने सतपुत्र की प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्व गुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। और बड़ा होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई है? राजकन्या ने भी सविधि 16 सोमवार का व्रत बतलाया। पुत्र राजकामना से व्रत करने लगा। उसी समय राजा के दूतों ने आकर राजकन्या के लिए वरण किया। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के देवलोक होने पर ब्राह्मण कुमार को गद्दी मिली। फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन इसने अपनी पत्नी से पूजन सामग्री शिवालय ले चलने के लिए कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। तब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो ये पत्नी तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान इसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग को कोसती हुई एक नगर में बुढ़िया के पास गई। दीन देख बुढ़िया ने इसके सिर पर अपनी सूत की पोटली रखकर बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई और पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने इसको फटकार कर भगाया। वहां से तेली के पास पहुंची तो उसके सब माठ चटक गए, उसने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पर पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पर पहुंचे तो हाथ के स्पर्श होते ही जन में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पी कर वह आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे लेट जाती वही पेड़ सूख जाता। वन और सरोवर की यह दशा देखकर ग्वाले इसे मंदिर में गोसाई जी के पास ले गए। यह देखकर गोसाई जी समझ गए यह कुलीन अबला आपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बनाते हुए बोले, बेटी तू मेरे यहाँ रह और किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु वह जिस वस्तु को भी हाथ लगाती उसी में कीड़े पड़ जाते। दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी किस देव के प्रति अपराध से तेरी यह दशा हुई है? रानी ने बताया, मैं पति की आज्ञा का उल्लंघन कर महादेव जी के पूजन के लिए नहीं गई। गोसाई जी ने शिव जी से प्रार्थना की। गोसाई जी बोले, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत करो। रानी ने सविधि व्रत पूर्ण किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देख दूतों ने आकर राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, यह मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने के कारण मैंने इसका परित्याग किया था।
अब शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ, कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर को आई, नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलोच्चार हुआ शिव जी की कृपा से। प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत को कर राजा और रानी आनंद से रहने लगे, अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार के व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो उमापति भगवान भोलेनाथ की जय हो। हर हर महादेव।